सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप आगे आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। हाय गाइस, सबका स्वागत है टीएनजी रिव्यूज पे। आज अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। मेरे पास रोज के 200 से 300 रिक्वेस्ट आती है उन फोन्स की अनबॉक्सिंग के लिए जो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। मैं चाहूंगी कि आप मेरी प्लेलिस्ट जरूर चेक करें जिसके अंदर आपको 100 प्लस अनबॉक्सिंग्स मिल जाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं नूबिया Z17 मिनी लिमिटेड एडिशन ब्लू कलर की। अभी कुछ टाइम पहले हमने इसके छोटे वेरिएंट की अनबॉक्सिंग करी थी जिसको आप मेरी प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हैं। देखा जाए तो ये सबसे चीपेस्ट डिवाइस है जिसके अंदर आपको 6GB रैम और 128GB इंटरनल मेमोरी मिल रही है और वो भी 20,000 रुपए के बजट के नीचे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस डिवाइस के ब्लू कलर को देखने के लिए और साथ ही इसके फीचर्स को देखने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। सो गाइस, ये हमारा डिवाइस। पहले हम बॉक्स से बाकी चीजों पे नजर डालते हैं, फिर इसके डिजाइन पे नजर डालेंगे। ये हमारे क्विक स्टार्ट गाइड और वारंटी कार्ड। ये हमारे इजेक्शन पिन। ये हमारा 5 वोल्ट 2 एम्पियर का ट्रेवल अडाप्टर जो कि 10 वॉट का चार्जर है। साथ ही इस डिवाइस के अंदर आपको 2950 mAh की बैटरी मिलती है। ये हमारी यूएसबी केबल जो कि यूएसबी टाइप सी केबल है। साथ में आप देख सकते हैं कि हमें बॉक्स के अंदर ईयरफोन्स नहीं मिले हैं। ईयरफोन्स बहुत ही जरूरी पार्ट होता है एक्सेसरीज का और आई थिंक ये बॉक्स के अंदर हमेशा अवेलेबल होने चाहिए। आइए डिवाइस की डिजाइन पे नजर डालते हैं। सो गाइस, ये हमारा डिवाइस जो कि आप देख सकते हैं मेरे फेवरेट ब्लू कलर में है। देखने में ये डिवाइस बहुत ही ऑसम नजर आ रहा है। ब्लू के साथ जो इसमें गोल्ड कलर की लाइनिंग दी हुई है डिवाइस के एजेस में, फिंगरप्रिंट सेंसर में और बटन्स में, वो देखने में बहुत ही बढ़िया नजर आ रही है। इस डिवाइस में आपको कम्प्लीटली मेटल बॉडी मिलती है और फ्रंट साइड में हमारे पास ग्लास है जिसपे आपको गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मिलती है। इसका डिजाइन काफी स्लिम है, ये सिर्फ 7.3 mm थिक है और 154 grams का है। और बैक साइड में जो इसकी मेटालिक फिनिश आ रही है वो ब्लू कलर में मुझे बहुत ही क्लासी लग रही है। साथ ही आप देख सकते हैं जो बैक कैमरा है उसके ऊपर आपको रेड हाईलाइट मिलता है और कैमरा लेंस के ऊपर आपको सफायर ग्लास प्रोटेक्शन मिलती है जो आपको सिर्फ कॉस्टली वॉचेस में मिलती है। पर्सनली मुझे इस डिवाइस की लुक और डिजाइन बहुत ज्यादा पसंद आया है। काफी सारी कंपनीज ब्लू कलर निकालती है लेकिन इसका ब्लू कलर जो गोल्ड के साथ जा रहा है वो देखने में बिल्कुल अलग नजर आ रहा है। फ्रंट साइड में हमारे पास 5.2 इंच का IPS LTPS डिस्प्ले दिया हुआ है। उसके ऊपर हमारे पास ईयरपीस है, कुछ सेंसर्स है और उसके साथ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। चिन साइड में हमारे पास इनस्क्रीन टच होम बटन दिया हुआ है जिसपे आपको रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है, वो भी देखने में बहुत ही बढ़िया नजर आ रहा है। डिवाइस के नीचे की साइड हमारे पास 2 grills है जिसमें से एक आपका माइक है और एक आपका स्पीकर। हम अभी साउंड चेक करते हुए देखेंगे कि दोनों में से स्पीकर कौन सा है। और उसके साथ हमारे पास यूएसबी पोर्ट है जो कि टाइप सी पोर्ट है। राइट साइड में हमारे पास पावर बटन है, उसके ऊपर वॉल्यूम रॉकर्स हैं। इसका पावर बटन एकदम स्मूथ है। पर्सनली मुझे लगता है कि पावर बटन टेक्सचर्ड ही होना चाहिए ताकि आप डिफरेंशिएट कर सके वॉल्यूम रॉकर्स में और पावर बटन में। टॉप साइड में हमारे पास एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन माइक है, उसके साथ 3.5 mm हेडफोन जैक। लेफ्ट साइड में हमारे पास सिम स्लॉट है। आप देख सकते हैं ये एक हाइब्रिड सिम स्लॉट है जिसके अंदर आप 2 SIM कार्ड या फिर 1 SIM कार्ड और 1 memory card डाल सकते हैं 200 GB तक का। बैक साइड में हमारे पास नूबिया की बैजिंग है गोल्ड कलर में और उसके ऊपर हमारे पास फिंगरप्रिंट सेंसर है जिसके अंदर आपको गोल्ड रिंग मिल रही है। उसके ऊपर हमारे पास 13 megapixel का डुअल कैमरा सेटअप है, उसके साथ LED फ्लैश और टॉप एंड बॉटम में एंटीना लाइनिंग। आप देख सकते हैं डिवाइस का डिजाइन एंड लुक बहुत ही बढ़िया लग रहा है। आइए जल्दी से डिवाइस को ऑन करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस डिवाइस में आपको 5.2 इंच का IPS LTPS डिस्प्ले मिल रहा है जिसके अंदर आपको फुल HD रेजोल्यूशन मिल रही है 424 PPI के साथ। उसके साथ 1500:1 कंट्रास्ट रेशियो, रेटिनल ग्रेड डिस्प्ले और उसके साथ गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन। ये डिवाइस रन करता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन
653 ऑक्टा कोर 1.8 गीगाहर्ट्ज़ के प्रोसेसर के साथ, जिसके अंदर आपको एडिनो 510 के ग्राफिक्स मिलते हैं, उसके साथ एंड्रॉइड 6। इसके साथ आपको इसके अंदर 6GB रैम और 128GB इंटरनल मेमोरी मिल रही है, जिसको आप 200GB तक एक्सपैंड कर सकते हैं एक हाइब्रिड स्लॉट के थ्रू। अगर हम यूजर अवेलेबिलिटी इंटरनल मेमोरी की बात करें तो आपको इस डिवाइस में 109GB फ्री मिल रहा है। आइए डिवाइस के साउंड पे नजर डालते हैं। देख सकते हैं जो हमारी राइट साइड की ग्रिल है वो हमारे स्पीकर्स हैं और लेफ्ट साइड वाला हमारा माइक। अब देख सकते हैं इसकी साउंड नॉर्मल है। साथ ही इस डिवाइस के अंदर आपको ब्लूटूथ, वाईफाई, हॉटस्पॉट, एनएफसी, ओटीजी, वोल्ट, जीपीएस, इलेक्ट्रॉनिक कंपास, जी सेंसर, प्रॉक्सिमिटी और हॉल सेंसर जैसे फीचर्स मिलते हैं। इस डिवाइस में आपको कुछ और भी फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि स्प्लिट स्क्रीन, उसके साथ कस्टम बॉटम की, जिससे कि आप अपने नीचे के बटन्स को इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब कि आप मल्टीटास्किंग को लेफ्ट में लेके जा सकते हैं या फिर राइट में, उसके साथ टच जेस्चर, उसके साथ स्मार्ट सेंसिंग, जैसे कि अगर आप अपने डिवाइस को फ्लिप करेंगे तो वो म्यूट हो जाएगा या पॉज हो जाएगा, या फिर जब अपने डिवाइस को आप शेक करेंगे तो ये आपकी नोटिफिकेशन, मल्टीटास्किंग लिस्ट और मेमोरी को क्लियर कर देगा। और इसके साथ आपको एज जेस्चर जैसे फीचर मिल रहा है, जिसे आप देख सकते हैं कि स्क्रीन की एज साइड में जब आप अपने फिंगर को लगाएंगे तो ये आपको मल्टीटास्किंग वे में पीछे सारी बैकग्राउंड एप्स दिखाएगा और इवन आपको होम स्क्रीन भी दिखाएगा डिवाइस की। फोन को इजीली डे टू डे यूज करने के लिए इसके अंदर आपको काफी सारे जेस्चर्स दिए हुए हैं, जो कि काफी बढ़िया लग रहे हैं मुझे यूज करने में। आइए डिवाइस के कैमरा की बात करते हैं। बैक साइड में जो हमें 13+13 का डुअल कैमरा सेटअप मिल रहा है, उसके अंदर आपको दो लेंसेज मिलते हैं, एक आपका मोनो लेंस है और दूसरा आरजीबी लेंस। साथ ही जैसे मैंने आपको बताया, लेंसेज के ऊपर आपको सफायर ग्लास प्रोटेक्शन मिलती है और उसके साथ आपको f2.2 का एपर्चर मिलता है, उसके साथ फेस डिटेक्शन, ऑटो फोकस, हाइब्रिड फोकस, साथ ही बुके इफेक्ट, पोर्ट्रेट मोड, मोनो कैम सेंसर, 3D इमेज, हैंड हेल्ड इमेज स्टेबलाइजर, इलेक्ट्रॉनिक एंटी शेक मोड, 3D ब्यूटी मोड, 3D नॉइस रिडक्शन मोड, रियल टाइम ब्यूटी, HDR मोड, पेनोरमा शॉट, टच टू फोकस, जियो टैगिंग और फेस डिटेक्शन जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसके बैक कैमरा में आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और साथ ही HD वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और उसके साथ आपको इसके अंदर वीडियो कॉल ब्यूटी मिलती है और डायनेमिक जूम मिलता है। अब हम इसके फ्रंट कैमरा की बात करें तो उसके अंदर आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है सोनी सेंसर का, उसका f2 है, उसके अंदर आपको 10 ब्यूटी फिल्टर्स मिलते हैं, सेल्फी फिल लाइट मिलती है और उसके साथ सेल्फी टाइमर, पोर्ट्रेट मोड, फिल्टर्स मिलते हैं और साथ ही आप इसके फ्रंट कैमरा से फुल HD और HD वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। सो गाइस, ये था हमारा नूबिया Z17 मिनी 6GB रैम वाला, जो देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया डिवाइस है अपने डिजाइन वाइज और अपने फीचर्स वाइज। आपको एक अच्छा प्रोसेसर मिलता है, बढ़िया कैमरा मिलता है और उसके साथ 128GB की इंटरनल मेमोरी मिलती है, वो भी एक बहुत ही बढ़िया डिजाइन में। मेरे हिसाब से अगर आप इसको कंसीडर करना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। इस डिवाइस के कंपैरिजन में हमारे पास ओप्पो F5 6GB रैम, ओप्पो F3 प्लस जिसमें आपको 6GB रैम मिलती है और उसके साथ कूलपैड कूलप्ले 6 आता है, उसके अंदर भी आपको 6GB रैम मिलती है। कूलपैड कूलप्ले 6 और ओप्पो F3 प्लस दोनों ही डिवाइसेज इसके परफॉर्मेंस और कैमरा वाइज कंपेयर नहीं होते हैं, तो उनको हम कंपेयर नहीं करेंगे, लेकिन ओप्पो F5 प्लस जो 6GB रैम वाला है उसका सेल्फी कैमरा काफी बेटर है और देखा जाए तो इन दोनों का कंपैरिजन फिर भी बनता है। वैसे जल्द हम इस डिवाइस की टेस्टिंग करेंगे और इसको कंपेयर करेंगे बाकी डिवाइसेज के साथ। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज हिट करें लाइक बटन, वीडियो को शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।